सो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के बाद वांडा कितनी सुपीरियर बींग बन चुकी है हमें ये बात पता है। तो चलो अवेंजर्स के कुछ पावरफुल मेंबर्स के साथ इसका कंपैरिजन करते हैं। हम यहाँ पे सारे अवेंजर्स की तो बात नहीं करने वाले, कुछ पावर हाउसेस की ही करेंगे, क्योंकि अगर ये इन्हें हरा देती है तो बाकियों को तो हरा देगी। 6-7 करेक्टर्स हैं। सो सबसे पहले अगर हम हल्क की बात करते हैं तो हल्क एक पावर हाउस है जो कि स्ट्रेंथ में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या हल्क का कोई भी अटैक वांडा के ऊपर लगेगा भी? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगर हल्क वांडा के पास ही नहीं जा पाया एंड अपने हैंड टू हैंड कॉम्बैट स्किल्स उसे दिखाई नहीं पाया तो वो वांडा को बीट ही नहीं कर सकता। इसके अलावा हल्क के पास कोई मैजिकल एबिलिटी तो है नहीं। वांडा बिल्कुल सेम थानोस की तरह हल्क को हवा में उड़ा सकती है टेलीकिनेसिस पावर से, उसे एक ही जगह लॉक कर सकती है एंड फिर सराउंडिंग का यूज करके उसे बीट कर सकती है, जो हाल इसने थानोस का किया था, क्योंकि थानोस वर्सेस हल्क की फाइट में हमने देखा था कि थानोस हल्क से हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट में भी सुपीरियर था। सो मेन पॉइंट यही है कि अगर हल्क वांडा के ऊपर पंचेस मार पाया या ये फाइट हैंड टू हैंड कॉम्बैट में पहुंच गई तभी हल्क उसे बीट कर पाएगा, बट वांडा उस तरीके से फाइट को पहुंचने नहीं देगी। तुमने देखा होगा एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी इसने हल्क को कंट्रोल किया था। व्हाट इफ में हमने देखा कि इसने यानी ज़ॉम्बी स्कारलेट विच ने हल्क को बीट कर दिया है एंड एमसीयू की स्कारलेट विच तो इस ज़ॉम्बी विच से काफी ज्यादा पावरफुल है, तो इजीली हल्क को डिफीट करने वाली है ये। फिर इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है आयरन मैन। अब आयरन मैन एक जीनियस है जिसके पास इतने ज्यादा एआई है कि मैं आपको क्या बताऊं। अब आयरन मैन ने अपनी एआई के थ्रू कई आर्मर्स को भी बनाया है एंड इसके ये आर्मर्स काफी ज्यादा पावरफुल है। आयरन मैन के हर एक आर्मर में अपनी स्पेशलिटी है एंड मार्क 85 इसका सबसे पावरफुल आर्मर है। ये आर्मर नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर चलता है एंड आयरन मैन ने अपने इस आर्मर में सेल्फ रिपेयर सिस्टम के साथ साथ कैमरास, मिसाइल, रिपल्सर्स एंड काफी कुछ ऐड करके रखा है। यानी अगर तुम आयरन मैन के आर्मर को तोड़ भी देते हो तो ये कुछ ही सेकंड्स में खुद को सेल्फ रिपेयर कर सकता है। और बाकी इस आर्मर से आयरन मैन की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस भी काफी ज्यादा बढ़ गई है इन केस ऑफ मार्क 85। बट द क्वेश्चन इज कि क्या वांडा इसे भी बीट कर सकती है? वेल, वेरी इजीली, बिकॉज टोनी के आर्मर फिजिकली फाइट में ज्यादा फोकस करने वाले आर्मर्स है। यानी टोनी ने इन्हें स्पेशली फिजिकली फाइट्स के लिए ही बनाया है। जहां पे मैजिक यूजर्स इसके आर्मर के ऊपर आ जाते हैं तो फिर ये मैजिकली इसके आर्मर को तोड़ सकते हैं। लाइक वांडा टेलीकिनेसिस एंड टेलीपैथिक एबिलिटी से जैसे उसने थानोस के आर्मर को तोड़ा था वैसा सेम टोनी के साथ होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि टोनी के पास कोई भी ऐसी एआई नहीं है जो मैजिक को टक्कर दे सके। यानी हाँ, फिजिकली कोई भी अटैक करना हो, किसी को हैक करना हो, ये तो आयरन मैन आराम से कर ही सकता है, लेकिन जहां मैजिक की बात आती है तो आयरन मैन वहां पे नहीं जी सकता। और ऊपर से वांडा के पास सबसे बड़ा एडवांटेज है डार्क होल का। डार्क होल को पढ़ने के बाद इसने बहुत से स्पेल्स को सीखा है, साथ ही ड्रीम वॉकिंग तक सीख गई है। ऊपर से ये कुछ भी बोलती है वो पार्टी गायब हो जाता है, तो अगर ये कुछ टाइम तक सोचेगी तो शायद आयरन मैन के आर्क रिएक्टर को ही गायब कर दे एंड आयरन मैन का मेन पावर सोर्स उसका आर्क रिएक्टर ही है। नंबर 3, कैप्टन अमेरिका। सो वेल, ये कंपैरिजन भी जस्ट नॉर्मल है। स्कारलेट विच इजीली कैप्टन अमेरिका को बीट कर सकती है, लाइक कैप उसके पास ही नहीं पहुंच पाएगा, वो शील्ड को थ्रो करेगी तो वो उसको हवा में उड़ा देगी। लाइक आपको कैप्टन कार्टर एंड वांडा का बैटल तो याद ही होगा, भले ही अब कैप्टन कार्टर कैप्टन अमेरिका तो नहीं है लेकिन इनकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट इक्वल है। तो हाँ, अगर ये कैप्टन कार्टर को इतने इजीली बीट कर सकती है तो कैप्टन अमेरिका कोई बड़ी बात नहीं है। जहां पे तुम वर्दी कैप की बात करते हो तो वर्दी कैप्टन अमेरिका के पास जस्ट म्योनिर था एंड थोर की कुछ लाइटनिंग थी। अब थोर की लाइटनिंग वांडा को थोड़ी देर तक टॉर्चर कर सकती है, बट वांडा अपनी प्रोटेक्टिव शील्ड से आराम से उनसे डॉच कर सकती है, जैसा ये कैप्टन मार्वल से बैटल में कर रही थी। और जहां पे म्योनिर को थ्रो वगैरह करने की बात आएगी तो इसके पास इसकी शील्ड है, कैप्टन अमेरिका म्योनिर को इसके ऊपर नहीं रख सकता भाई लोग। और ऊपर से टेलीकिनेसिस एबिलिटीज, टेलीपैथिक, रियलिटी रैपिंग, हेक्स मैजिक से तो कैप्टन अमेरिका पूरा ही कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि फिजिकली ये अभी भी कैप्टन अमेरिका है, ना कि थोर। अब नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज की। वेल, डॉक्टर स्ट्रेंज एंड वांडा का बैटल हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी देखा था, जहां पे साफ पता चल रहा था कि वांडा इज मोर सुपीरियर बिकॉज ऑफ डॉक्टर स्ट्रेंज के पास एड्रिच मैजिक है एंड वांडा के पास केओस मैजिक है एंड केओस मैजिक इज मोर पावरफुल देन एड्रिच मैजिक। अब डॉक्टर स्ट्रेंज ने कमर ताज के सारे सोर्सरर्स को वांडा के खिलाफ लड़ने को रख दिया था, लेकिन तब भी वांडा ने कमर ताज को ही उड़ा दिया। डॉक्टर स्ट्रेंज पूरी मूवी से वांडा से इसीलिए डर के भाग रहा था क्योंकि उसे पता था कि वांडा से वो नहीं जीत सकता। इवन डॉक्टर स्ट्रेंज ने लास्ट में वांडा की तरह डार्क होल्ड को पढ़ लिया, ड्रीम वॉकिंग वगैरह सीख ली, लेकिन वांडा ने डार्क होल्ड को कितने टाइम से पढ़ा है लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने जस्ट अभी पढ़ा है। एंड सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैजिक वाले मामले की बात करते हैं। सो बेसिकली अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि डार्क होल्ड की हेल्प से आप अपने केओस मैजिक को और इंक्रीज कर सकते हो, यानी ये दोनों एक दूसरे से लिंक टाइप है। लाइक केओस मैजिक को अगर आपने और स्ट्रॉन्ग करना है तो आप डार्क होल्ड को पढ़ो, जिससे केओस मैजिक पीक पे पहुंच जाएगा, लेकिन ये सेम एड्रिच मैजिक के साथ नहीं होगा। एड्रिच मैजिक को आप बुक ऑफ विशांति, जिसको हम व्हाइट मैजिक कहते हैं, उससे इंक्रीज कर सकते हो, ना कि डार्क होल्ड से। डार्क होल्ड से हो जाएगा बट उतना ज्यादा नहीं। इसीलिए एड्रिच मैजिक की ट्रू पोटेंशियल अगर आपने यूज करना है तो आपके पास बुक ऑफ विशांति होनी चाहिए यानी व्हाइट मैजिक, एंड अगर आपने केओस मैजिक को अपने पीक पे ले जाना है तो आपके पास डार्क होल्ड होनी चाहिए यानी डार्क मैजिक, मतलब डार्क वर्सेस व्हाइट। सो यही रीजन है कि वांडा के पास केओस मैजिक है जिसे डार्क
डार्क होल्ड से इंक्रीज किया जा सकता है क्योंकि वो डार्क मैजिक है। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास एड्रिच मैजिक एक व्हाइट मैजिक है जिसे आप बुक ऑफ विशांति से इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने बुक ऑफ विशांति पढ़ी नहीं, अगर इसने बुक ऑफ विशांति पढ़ी होती तब इनका कंपैरिजन नेक्स्ट लेवल होता, लेकिन अभी तक तो वांडा ही सुपीरियर है। फिर नेक्स्ट अगर हम विजन की बात करते हैं तो पहले तो मुझे पता नहीं कि क्या वांडा विजन के ऊपर अटैक करने भी वाली है नहीं, लेकिन बैटल को कंपेयर करें तो वांडा इजीली विजन को वाइप आउट कर सकती है क्योंकि विजन की एंटी फेजिंग एबिलिटी आपके मन में होगी कि वो किसी को भी फेस कर सकता है या चीजों के आर पार जा सकता है। सो बेसिकली वांडा के खिलाफ इसका असर ही नहीं होगा क्योंकि ये भी एक तरह का फिजिकल मूव है एंड वांडा एक मैजिकली करेक्टर है। सो या अगर वो वांडा को कंफ्यूज करने की कोशिश भी करता है तब भी वो टेलीकिनेसिस के जाल में उसे फंसाई देगी क्योंकि उसके पास सारे फिजिकल मूव्स हैं एंड वांडा मैजिकली स्ट्रांग करेक्टर है और वैसे वो विजन के ऊपर अटैक करेगी भी नहीं। खैर नेक्स्ट बात करते हैं कैप्टन मार्वल की। सो कैप्टन मार्वल वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रांगेस्ट करेक्टर है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर, लेकिन तब भी वो वांडा को बीट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हमने देखा ही था मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर कैप्टन मार्वल एंड वांडा का बैटल। अब ये मत कहना कि वो अलग यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल थी क्योंकि हो अलग यूनिवर्स की लेकिन पावर लेवल तो सेम ही होता है सब कैप्टन मार्वल्स का। सो हमने देखा था कि उस कैप्टन मार्वल के फोटोन फिस्ट एंड एनर्जी मैनिपुलेशन का वांडा के ऊपर असर तो हो रहा है लेकिन वांडा अपने प्रोटेक्टिव शील्ड से उससे बच रही है। सेम या ऐसा ही यहीं पे होगा। लेकिन वांडा ने उस कैप्टन मार्वल को हराया था क्योंकि लास्ट में उसने उसकी सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था एंड उसे एनर्जी लेस बना दिया था। तो सेम हमारी कैप्टन मार्वल के साथ भी यही होगा एंड वांडा उसे एनर्जी लेस बनाएगी, फिर वो एक ह्यूमन की जितनी स्ट्रांग रहेगी एंड जैसे स्टैचू से मार दिया वैसे ही वांडा सराउंडिंग का यूज करके कैप्टन मार्वल को भी डिफीट कर सकती है। लाइक मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की तरह सेम होगा सब कुछ। लेकिन अब फाइनली सबसे स्ट्रांगेस्ट एवेंजर्स थॉर की बात करते हैं। फिजिकली स्ट्रांग की बात कर रहा हूं तो कुछ उल्टा सीधा मत समझना। वेल लेकिन थॉर एंड वांडा के ऊपर हमने अपने चैनल में कई बार बात किया है, तुम्हें भी ये बात पता ही होगी, तो चलो छोटा मोटा बता देता हूँ। सो सबसे पहली बात हो कि थॉर अपनी लाइटनिंग से वांडा के ऊपर कई अटैक्स कर सकता है बट वो शील्डिंग बना के उन थंडर से बच सकती है जैसे वो कैप्टन मार्वल से बच रही थी। बट अब इसके बाद आता है थॉर का नेक्स्ट मूव, उसके वेपन्स। अब क्या वांडा थॉर के वेपन से बच सकती है? सो आई थिंक यस, बिकॉज ही हैज टेलीकिनेसिस एबिलिटीज। वांडा अपने टेलीकिनेसिस पावर से किसी भी चीज को मैनिपुलेट कर सकती है, तो स्टॉर्म ब्रेकर को मैनिपुलेट करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होने वाली है। लाइक स्टॉर्म ब्रेकर को कोई भी उठा सकता है, तो अगर थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर को उसकी ओर फेंकेगा तो वांडा टेलीकिनेसिस एबिलिटी से ही स्टॉर्म ब्रेकर को पकड़ सकती है। एंड एट लास्ट थॉर के साथ क्या होगा? जो कि थानोस के साथ हुआ था, यानी हवा में उड़ा के थॉर को तोड़ मरोड़ के हरा सकती है वो। यानी ओवरऑल देखने पे आए तो बिल्कुल हल्क वाला ही केस होगा कि अगर क्लोज कॉम्बैट में गलती से बैटल पहुंचा है तब जाके थॉर थोड़ा बहुत जीत सकता है स्कारलेट विच से, क्योंकि कंटिन्यूसली पंचिस मारेगा स्कारलेट विच नॉकआउट हो जाएगी। लेकिन देखा जाए तो अब स्कारलेट विच की ड्यूरेबिलिटी भी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी है क्योंकि इसने अमेरिका सैवेज के पंच से भी सर्वाइव कर लिया था। लेकिन तब भी क्लोज कॉम्बैट में थॉर के पास ज्यादा एडवांटेजेस है उसके एक्सपीरियंस, फाइटिंग एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्सेस एंड बाकी कॉम्बैट स्किल्स की वजह से। लेकिन जहां पे लॉन्ग रेंज फाइट की बात आती है तो वहां वांडा इजीली बीट करने वाली है उसे एंड वो थॉर को अपने पास पहुंचने ही नहीं देगी, टेलीकिनेसिस एबिलिटी से पहले ही रोक के रखेगी। और ये सब बातें मैंने कुछ दिन पहले ही कही है तो ज्यादा डिटेल में नहीं कहने वाला, वरना बार बार बोर होने वाला काम होता है फिर। लेकिन इतना समझ लो कि अभी करंटली तो थॉर का कोई चांस नहीं है वांडा के आगे क्योंकि वो टेलीकिनेसिस एबिलिटी को टक्कर नहीं दे सकता क्योंकि उसके पास कोई प्रोटेक्टिव शील्ड वगैरह भी तो नहीं है वांडा से लड़ने के लिए। वो बस एक काम कर सकता है, वो है स्टॉर्म ब्रेकर से बायफोर्स खोल के कल्टी मार लो। और यहाँ स्टॉर्म ब्रेकर से मुझे याद आया, कई लोगों को अब लगेगा कि वो वांडा को भी तो किसी और प्लेनेट पे टेलीपोर्ट कर सकता है, बट ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि इसके लिए भी उसे वांडा के पास जाना पड़ेगा। थॉर को हमने किसी और को टेलीपोर्ट करते हुए तो नहीं देखा अब तक, पास जाना पड़ेगा यानी मैजिक को पेनिट्रेट करना पड़ेगा जो कि वांडा कभी होने नहीं देगी। वो दूर दूर से ही थॉर की बैंड बजा देगी तो नहीं है चांसेस उसके भी। और बाकी रैप अप करो इस वीडियो को, और हमें ये बात भी पता चल गई कि भाई वांडा अब तक सबसे पावरफुल एवेंजर है, अभी इस टाइम पे तो है ही है वो। एंड अगर फ्यूचर में किसी और एवेंजर को कोई अपडेट मिलता है तब फिर से कर देंगे कंपैरिजन। और हाँ, इस वीडियो में हमने जस्ट एवेंजर्स को ऐड किया है, तो ये मत कहना कि विलन्स एंड ओवरपावर्ड आइडेंटिटीज कहाँ है, वो नहीं मिलेगा यहाँ पे। लेकिन इसके बावजूद अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब मार के बगल वाले बेल आइकन को जल्दी ऑन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।